गई है। प्रवचन के दौरान अचानक भगदड़ मच गई है, सैकड़ों भक्त बेहोश हो गए हैं। बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव फुलराई की घटना है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रवचन के दौरान अचानक से भीड़ में भगदड़ पैदा हो गई और सैकड़ों भक्त बेहोश हो गए। बेहोश लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव फुलराई की घटना है। प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था हाथरस में और इसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होती है, जिसमें भगदड़ के चलते कुछ लोगों के बेहोश होने की भी जानकारी मिल रही है। तो हाथरस से बड़ी खबर है, जहां पर प्रवचन के दौरान भगदड़ मच गई और इसके बाद में कुछ लोग जिनके बेहोश होने की भी जानकारी मिली है, फिलहाल उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि भगदड़ पैदा क्यों हुई थी इसकी भी जांच की जा रही है और साथ ही सभी लोग जो कि घायल हुए हैं या फिर बेहोश हुए हैं उन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था, गांव फुलराई का मामला है जहां पर प्रवचन के दौरान भगदड़ पैदा हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ में सुनीत जुड़ गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुमित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर संवाददाता। सुमित, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए, आखिर भगदड़ क्यों पैदा हुई थी और साथ ही जो लोग बेहोश हुए थे उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये सिकंदराव थाना क्षेत्र का एक गांव है फुलराई। यहाँ आज जय भोले बाबा का प्रवचन का एक कार्यक्रम था जो लगभग 2-3 घंटे का कार्यक्रम था। उसमें 19 से ज्यादा भीड़ उमड़ गई प्रवचन सुनने के लिए और वहाँ अचानक से भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं, जो भक्त हैं वहाँ पर जो भक्त गए थे, और कई बेहोश हो गए हैं। इसमें कई के मरने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घायलों का उपचार कराया जा रहा है। आगे जो भी सूचना होगी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल सुमित, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिसमें कई महिलाएं बेहोश स्थिति में नजर आ रही हैं और साथ ही सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये बताइए कि क्या किसी तरह की अफवाह फैलाई गई थी मौके पर, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो कि बेहोश स्थिति में नजर आ रही हैं। देखिए, ये दरअसल वहां अफवाह का तो अभी कुछ निकल के नहीं आया है। मामला जो मुझे पता चला है अभी, उसमें ये निकल कर आ रहा है कि जो भक्त वहां पर उमड़े थे, अचानक से जो वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई थी, उन्होंने उनको एक जगह रोक दिया था, एक जगह इकट्ठा कर दिया था, जहां ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका दम घुटा है। दम घुटने की वजह से कई लोग तो बेहोश हुए हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। जी, अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी गई है और साथ ही ये भी बताइए क्या कोई कार्रवाई की गई है या कोई गिरफ्तारी अभी तक? देखिए, प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सब जिला मुख्यालय से घटनास्थल की तरफ पहुंचे हैं, यहां से भी निकले हैं। अभी पूरी घटना को एनालिसिस किया जा रहा है प्रशासन द्वारा और अभी इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल प्रशासन के लिए प्राथमिकता है जो घायल हैं उनको समय से उपचार मिल सके और उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। जी, लेकिन सुमित, कितने दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था इसके बारे में भी बताइएगा और साथ ही जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनका आंकड़ा या फिर वो कहाँ के रहने वाले थे उनको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये जो प्रवचन जो स्थल था ये एक बॉर्डर पे है, जनपद एटा, जनपद कासगंज और जनपद हाथरस का एक बॉर्डर पड़ता है। ये जनपद हाथरस में आता है, गांव है फुलराई। वहां पर ये आज ही कार्यक्रम का आयोजन था जो कि सिर्फ 3 घंटे के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें भोले बाबा का वहां पे प्रवचन था। प्रवचन में लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्त वहां प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे थे। अचानक से वहां पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से भीड़ को एक जगह वहां पर रोका गया था, जिसकी वजह से वहां ऑक्सीजन और ये उमस की वजह से उनको लोगों को घबराहट हुई, फिर उसमें ही भगदड़ मची है। भगदड़ मचने के बाद कई लोग घायल भी हुए हैं, उसमें चोटिल हुए हैं भक्त जो है, और कई भक्तों की मौत होने की भी सूचना बताई जा रही है और कई भक्त उसमें दर्जनों की संख्या में घायल है। जी, लेकिन जब भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं या कार्यक्रम होता है ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम पहले से कर दिए जाते हैं, तो क्या सुमित जब कार्यक्रम हुआ या प्रवचन का कार्यक्रम हुआ प्रशासन को उसकी जानकारी थी और क्या वो इंतजाम पहले किए गए थे?
देखिए इस कार्यक्रम के लिए जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके द्वारा प्रशासन से अनुमति तो मांगी गई थी, अनुमति जारी भी हुई थी, लेकिन जो संख्या आयोजक द्वारा प्रशासन को बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा संख्या वहां पर पहुंची है और उसी की वजह से ये घटना हुई है। हालांकि प्रशासन की भी इसमें लापरवाही सामने आ रही, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक जगह कार्यक्रम होना और व्यवस्थाएं प्रॉपर ना होना और ये भी एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। तो देखना है कि इसमें प्रशासन किन किन अधिकारियों पर और पुलिस की किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। जी सुमित, क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी जानकारी दी गई? देखिए ये घटना अभी कुछ मिनट पहले की है, प्रशासनिक जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली है तत्काल जिलाधिकारी और एसपी अपने पूरे अमले के साथ मौके पर पहुंचे हैं और अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी वर्जन ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हुई थी उनसे भी अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनकी तरफ से, जो चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या इस घटना को लेकर बताया गया, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई कि कितने लोग थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया या मरने वालों का आंकड़ा कितना है? देखिए अभी आंकड़ा ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, प्रशासनिक अधिकारी अभी मौके पर सबसे पहले उनके लिए प्राथमिकता है कि जितने भी घायल हैं जितने भी बेहोश हैं उनको सबसे पहले उपचार मिल सके। और जो जब जहां तक हमारी हमने बात की है हमारे सोर्सेस के हिसाब से लगभग कई लोग जो वहां पर घायल हुए हैं बेहोश हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों की भक्तों की मृत्यु होने की सूचना भी सामने आ रही, प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया। ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कई लोगों के घायल होने की जानकारी, कई लोगों के बेहोश होने की जानकारी, इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनकी सफोगेशन के चलते मौत भी हो गई है। फिलहाल कई पहलुओं पर अब पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है कि क्या वो सभी इंतजाम पहले किए गए थे जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, इसके अलावा गर्मी से बचाव को लेकर क्या इंतजाम कार्यक्रम में किए गए थे और साथ ही परमिशन की जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से परमिशन तो ली गई थी लेकिन अब सवाल यही है कि क्या उतने पुख्ता इंतजाम पहले किए गए थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए पहुंचने वाले थे और जो मरने वाले हैं वो क्या सभी हाथरस के हैं या फिर जो दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे उनमें से शामिल है। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और इसके अलावा थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि प्रशासन की तरफ से भी ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी कि मरने वाले कहाँ के रहने वाले थे, कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनका इलाज जारी है।